majority. That's time. We are majority 93%. But today, we are reduced minority only 19%. 20% below only 90%. There is no any example in the world. The native people, the indigenous people, reduce minority. Aap ne bagay singh saramu sugo India government, no? मैं इंडिया गवर्नमेंट का अपील करना चाहती हूँ ये कृपया एक दिन अपना राजतंत्र का स्वाधीन राष्ट्र था 1949 का भारत में 1949-15 अक्टूबर की टाइम में हम टिपरा का साथ और इंडिया का साथ टिपरा और इंडिया जुड़ा हुआ है लेकिन जब हम लोग जुड़ा हुआ है उस दिन इंडिया गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किया था कि पीपल को हर इंडियन जेन्युइन सिटीजन का साथ साथ अधिकार दिए जाएगा और इक्वलिटी दिए जाएगा जो फंडामेंटल राइट्स है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल ये फंडामेंटल राइट्स नहीं मिला तो एवरी इंडियन जेन्युइन सिटीजन अपना राज्य में इंडियन सिटीजन अपना राज्य में राज करते रहा इंडिया का 36 स्टेट में आज भी त्रिपुरा का वगैरह ऑल स्टेट पीपल रन बाय स्टेट गवर्नमेंट बट इन त्रिपुरा 70 इयर्स रनिंग रन बाय इलीगल इमिग्रेंट्स गवर्नमेंट कौन सा आइन है ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का धारा है जो 70 इयर्स लेकर आज तक विदेशी साम्राज्य बांट के इंडिया त्रिपुरा में चला रही है तो इंडिया गवर्नमेंट क्या त्रिपुरा को विदेशी में नीलाम कर रही है और इंडिया गवर्नमेंट क्या चाहती है त्रिपुरा का इंडिजिनस पीपल को पूरी तरह से खत्म हो जाओ अगर इंडिया गवर्नमेंट चाहते है इंडिया इंडिजिनस पीपल को रेस्पेक्ट करना चाहते है तो आज हम लोग ये हाल हकीकत में नहीं आना था तो हम अपील करता हूँ इंडिया गवर्नमेंट को जल्द जल्द से ये त्रिपुरा इंडिजिनस पीपल को बचाने के लिए जितना भी जो इंडिजिनस राइट है इंटरनेशनल लॉ इंडिजिनस राइट है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हो और हम लोग जो अभी एनआरसी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही हो सीएए ऑफिस का केस फाइल कर रही हो पासपोर्ट अमेंडमेंट एक्ट का जो हम लोग केस फाइल कर रही हो ये तीन दिन का केस जो सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है ये कोर्ट में हम लोग का इंतजार कर रहे हैं हम लोग उम्मीद करते हैं कोर्ट जरूर हम लोग को जस्टिस दिलाएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जरूर हम लोग को जस्टिस दिया जाएगा तो जब तक हम लोग का जस्टिस नहीं मिले जब तक ना हम लोग का जस्टिस नहीं मिले और हम लोग का धरती में हम लोग का ये लैंड में हम लोग का लैंड राइट्स अगर नहीं मिलता तब तक हम लोग का संग्राम और मूवमेंट चलते रहेगा तो इसलिए हर इंडियन जेन्युइन सिटीजन को अपील करता हूँ और इंडियन जेन्युइन सिटीजन का हम लोग एक साथ करके विदेशी के खिलाफ लड़ाई करना चाहती है पहले विदेशी हटाओ त्रिपुरा बचाओ विदेशी हटाओ देश को बचाओ ये स्लोगन आज ये दिवाली का दिन में सबको मैं ये दिवाली का तोहफा देता हूँ क्योंकि आज इंडिया 71 ईयर से ज्यादा 1947 फ्रीडम मिला लेकिन आज तक त्रिपुरा फ्रीडम नहीं हुआ जब से हम इंडिया के साथ जुड़ा हुआ तब से हम लोग ये बांग्लादेशी के हाथों में शासन और शोषण सबको बांग्लादेश में लूट गए तो बांग्लादेशी हम लोग का जो राज है बांग्लादेशी जो हम लोग का अधिकार है लूटने के बाद भी आज तक इंडिया गवर्नमेंट कुछ भी इंतजाम नहीं किया और कुछ भी एक्शन नहीं लिया तो जब तक हम लोग का राइट नहीं मिलेगा जब तक बांग्लादेशी को एक्शन नहीं लेगा तब तक हम लोग का मूवमेंट चलते रहेगा क्या दिवाली का डे है क्या एंजॉय का डे है क्या पूजा का डे है हम लोग का पूजा है हम लोग का एंजॉय है हम लोग का मूवमेंट है हम लोग का राइट्स का मिलने का तो इसलिए जब तक हम लोग राइट्स नहीं मिलेगा तब तक हम लोग का कंटिन्यू जारी रहेगा तो आज का ये दिवाली का दिन हम लोग दिवाली का दिन में टॉर्च रैली करके हम लोग का ये दिवाली का दिन में टॉर्च रैली करके हम लोग का हक को हम लोग मांग रही है दिस लैंड इज त्रिपुरा लैंड त्रिपुरा लैंड इज आवर लैंड तो हम लोग का लैंड का राइट जो इंडिजिनस राइट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज इंडिजिनस राइट को इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करेगा तब तक हम लोग का मूवमेंट चलते रहे आज ये टेलीमुरा डिविजन में ये टॉर्च रैली चलते रहा ये रैली ये फर्स्ट टाइम है इंडिया का जो दिवाली का दिन में अपना खुद का जमीन में अपने खुद का अधिकार के लिए दिवाली का दिन में भी टॉर्च रैली में मूवमेंट करना पड़ता है यही 2020 है तो 2020 का जो मूवमेंट है दिस लैंड इज त्रिपुरा लैंड इज आवर लैंड आवर राइट्स ये मूवमेंट है तो आज मैं त्रिपुरा का हर जेन्युइन सिटीजन को अपील करता हूँ जब तक हम लोग का राइट्स को हासिल नहीं कर सकते जब तक हम लोग का अधिकार को हासिल नहीं कर सकते तब तक हम लोग का ये मूवमेंट चलते रहेगा और ये मूवमेंट के सब एक्सेप्ट करके कदम कदम के कंधे कंधे से हम लोग एक्सेप्ट करके लड़ना है तो ऐसे
लिए आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, अपने जमीन का आवाज, अपने जमीन का आवाज को ऊंचा उठाओ। हम किसी से परवाह नहीं, हम किसी से डरना नहीं, क्योंकि एस वाली ने कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, एस वाली ने कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, एस वाली ने कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 6 में लिखा गया है 1948 और 19 जुलाई के बाद जो लोग बाहर से आए हुए वो लोग ये इंडियन सिटीजन नहीं बन सकते। तो त्रिपुरा में आज तक त्रिपुरा में हम क्या देखा है, आज तक त्रिपुरा में जो लोग माइग्रेंट्स बांग्लादेश से आए हुए हैं, वो पूर्व पाकिस्तान से आए हुए हैं, वो लोग सब वहाँ पे फैक्ट सर्टिफिकेट पे त्रिपुरा का पॉलिटिकल राइट्स दे रही है, लेकिन आज तक इंडिया गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो ऐसे इलीगली माइग्रेंट्स, वन इलीगली माइग्रेंट्स पर्सन कैसे इंडिया पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय कर सकते हैं, ये पूरी तरह से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉट ओनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये क्राइम है, ये क्राइम, ये विचार होना चाहिए। इसलिए हम एनआरसी वेट कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, आज दिवाली के दिन में मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ, एनआरसी जल्द जल्द से ताकि घर जाए, और अपील भी करते हो, उम्मीद भी करते हो, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जरूर, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जरूर, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जरूर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जरूर, हम लोग का Matongya, matongya. Ibrahim, 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 Ibrahim
Chole kha chole nai Chole kha chole nai Dipraha Jiniha Jiniha